नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शाधिके शरण नेत्रे गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व केंद्र मंत्री सुरेश पचौरी जी से जब पूछा गया कि अश्विन शर्मा बोल रहे हैं कि उन्होंने जितनी संपत्ति कमाई है वह पिछले 15 सालों में बीजेपी शासनकाल में कमाई है और वह बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इस पर पचौरी जी का कहना है कि यह सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोमुही नीति को उजागर करती हैं। एक तरफ जिसके यहाँ से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई है उसने स्वयं स्वीकारा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी तरफ दो मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले साथियों का कहना आया था कि उनका खुद स्वीकार है कि उनके यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर आपत्ति जताई है। पिछले 15 साल की जो शासन रहा है बीजेपी का, उनकी भी जांच पूरी होनी चाहिए। जिन लोगों से वो जुड़ा रहा, जिन मंत्रियों से जुड़ा रहा, उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत साफ तौर पे ये कहा था कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो मामले रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले वर्षों में कांग्रेस के घपले और घोटाले वाली सरकार बन के रह गई है, उन सब मामलों की निष्पक्षता से नियमानुसार जांच की जाएगी। उसी श्रृंखला की एक ये कड़ी है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।